उत्तराखंड की स्थापना पहाड़ी क्षेत्र को विकास का वास्तव हुए छे, मगर जब राजधानी की बगल ही यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ू छ तो आप अंदाजा लगे सकदा कि दूर दराज सीमांत पहाड़ी क्षेत्र में कन विकास होलू। विकास तो होणु छ लेकिन विधायक करीबियों को विकास खूब दिखेणु छ। यमकेश्वर माँ विधायक पर आरोप लगनी छन कि यून खालियापुर कार्यकर्ताओं तक मुख्यमंत्री राहत कोष को पैसा बांटी, जो कि कुछ दिनों बटी सोशल मीडिया में खूब वायरल होणु छ। ये संबंध में हम तक शांति प्रसाद भट्ट ने अपनी वीडियो भेजी, आप भी देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आंवला डिजिटल मीडिया में। आप सभी से निवेदन छ कि ये खबर तक ज़्यादा शेयर भी करा। आज वह हम बात कर ला यमकेश्वर विधानसभा की, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर छ। यमकेश्वर विधानसभा सीट में अभी तक भाजपा की महिला प्रतिनिधि को एकाधिकार छ, परंतु विड़म्बना ही कई जाली कि यह क्षेत्र आज भी अपूर्व विकास को तरसुणु छ। एक न सड़कों की हालत अच्छी, न पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी बदतर हुई छ। कुछ टाइम पहले आपको चैनल आंवला डिजिटल मीडिया यमकेश्वर विधानसभा में विकास कार्य और समस्याओं को जायजा लेने को गए छे, जकमा हमुन पाई विश्व स्तरीय नीलकंठ महादेव की रोड में जग जग गड्ढा पड़िया छन। वे की बाद हम द्यूली पहुँचा, जक हम तक लोगों ने बताई कि स्वास्थ्य और सड़क की स्थिति बड़ी खराब छ। जन्नी हम दोली बाजार बटे थोड़ा ऐथर बढ़ा तो रोड को काम चन्नु छाई। जब हम उन वे को जायजा ले आई तो हम तक कार्य को स्तर बहुत ही घटिया लगू। जो सड़क बननी छे वह बन से पहले उखड़नी छे। वे की बाद हम पोखर खाल इंटर कॉलेज पहुँचा, जब हम उन देखी शिक्षक मंदिर की स्थिति बड़ी खराब छ और फर्नीचरों की हालत ठीक नहीं छ। विधायक स्कूल अकुणु 1.5 साल पहले फर्नीचर देने को वादा कौरी छे, मगर वो खाली आश्वासन ही रह गए। वे की बात हम जब थोड़ा इधर बड़ा तो तू खाल बाजार में एक हैडपम्प लग्यू छ, जक बटे दूषित पानी आणु छ और पानी पीणु लायक बिल्कुल नहीं छ। वे की थोड़ा इधर जय की हम उन सोची कि थोड़ा यमकेश्वर ब्लॉक की स्थिति भी देख लींदा। तू खाल बटे एक रोड यमकेश्वर ब्लॉक अकुण जानी छ। जब हम थोड़ा इधर बड़ा तम उन एक बार उक की बेटा वापसी आणु को विचार बने छाई, क्योंकि रोड की स्थिति इतना खतरनाक छ कि हम तो ऐथर जान में डोल लगनी रही। मगर हम उन हिम्मत नहीं हारी, हम 1 किलोमीटर ऐथर बड़ा बड़ी छाई कि हमार बाइक स्लिप हो गया। तब हम तो उकमा कुछ चोट भी लग छ। वे की बाद हम ब्लॉक का रास्ता कांडी बाजार पहुँचा और उक की बेटा सीधा पोखाल बाजार पहुँचा, जब हम उन देखी कि पार्किंग और महिला शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं छ। फिर हम उन सोची कि थोड़ा हॉस्पिटल की स्थिति भी देख लींदा, क्योंकि कोरोना काल चन्नु छ। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचा तो इमरजेंसी सेवा भी नहीं छे और हॉस्पिटल में 3 बजे ही ताला लग गए छे। जब हम उन कुछ लोगों से बात करी तो उन बताई कि इमरजेंसी सेवा भी नहीं छ और छोटे मोटे उपचार का वास्ता कोटद्वारे ऋषिकेश जान पुड़ दो। वे की बात हम तय गौली ग्राम सभा में एक बेरोजगार मिली, जो लॉकडाउन का कारण दिल्ली बटे कनी अपुर गांव पहुंची और युवक खेती बाड़ी का साथ साथ पशुपालन भी कन्नु चांद छाई, मगर सरकार और क्षेत्र प्रतिनिधि ने वे की कोई मदद नहीं करी। अगला दिन हम ग्राम बागी बड़ी माँ एक और बेरोजगार युवक तब मिला, जो अपर पिताजी का दगड़ है गदेर माँ कुछ टाइम बटी गौड़ बल्दो की सेवा कन्नु छाई। जैन बताई कि अगर सरकार की तरफ से एक टीन सेट की मदद हो जाती तो गांव में ही रह कर रोजगार कौल लींद, मगर प्रतिनिधि हुए तई खाली आश्वासन कुछ सिवाय कुछ नहीं दिया। अब सुन में आणु छू कि वे कि कुछ जानवरों तई जंगली जानवरों ने अपने शिकार बनाए दिया और युवा भी निराश हुए कनी एक बार फिर से रोजगार का वास्ता दिल्ली चल गए। वे के बाद हम भवासी बाजार बटे मंडोल की तरफ बढ़ा तो लेकिन मंडोल की रोड की स्थिति बड़ी खराब हुई छ। मंडोलों में एक टूटी पुल भी छाई। वे के बाद हमने स्कूल का निरीक्षण करने का फैसला करी। जब हम स्कूल में पहुँचा तो स्कूल के टीन सड़क मत थी पत्थर रखी छाई, जो कि बच्चों को काफ़ी खतरनाक छाई।
उक हम तो प्रधानन बताई कि विधायक जी खाली चुनाव को टाइम पर ऐ छे ही और उनको जो विधायक प्रतिनिधि छ वो भी ये क्षेत्र को कोई प्रयास नहीं करनू। और उन आरोप लगाई कि विधायक प्रतिनिधि खाली अपुर क्षेत्र और अपुर ही विकास करनू छ। वे के बाद हम पहुँचा गैंडखाल। गैंडखाल में विधायकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलनू छाई क्योंकि गैंडखाल स्कूल का नाम अटल आदर्श स्कूल में ही छाई और विधायक जी ने एक नाम काटी मोहन चट्टी का नाम दर्ज करे दे छे। देखिए निश्चित रूप से आपन जो सवाल खड़ू करी विधानसभा एम के शर्मा वो चिरथार्थ साबित होनू छ कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपड़ा पुड़ तो दे। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री राहत कोषक पैसा केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं तक बटी ये से उत्तराखंड जनता में बड़ू उबाल छ मछू। देखने वाली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं केवल अपड़ अपड़ लोगों तक बांटने में साबित होनी चाहिए, चाहे फिर वो श्रम कार्ड बनाने का सवाल हो, चाहे फिर वो श्रम विभाग द्वारा साइकिल बांटने का सवाल हो, चाहे किसान निधि बांटने का सवाल हो, यब तक कि आपदा मार राशन भी उन अपड़ अपड़ लोगों तक बिल्ली करी बांटी ये से साबित होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली बहुत संदिग्ध छ। ये केवल आपदा में अवसर ढूंढने पर लग्या छन। यही कारण छ कि आज विधानसभा एम के शर्मा कई सवाल छन खड़ा होना और लोग छन बुनना कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत एक सरकार से हम ये उम्मीद कर छ कि हमारे बच्चों तक रोजगार मिल, गाँव में खुशहाली आली, पलायन रुक लो, मगर भाजपा ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर आली। यही कारण छ कि आज उत्तराखंड की जनता पछतानी छ, एम के शर्मा की जनता पछतानी छ। ये हमारे कोशिश से अपनी बोली भाषा तक बचाने का वास्ता हम खबर गढ़वाली में करना छा। अगर आप तक खबर पसंद आनी तो खबर तक शेयर करो, चैनल तक लाइक करो, फॉलो करो और ये खबर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी बोली भाषा भी बच सका और हमारे लोगों तक एम के शर्मा की जो विकास की गति रुकी से वहीं बारे में पता भी चल सका। धन्यवाद।